लेट्स से दिस इज द केस स्टडी, ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ये इनकम स्टेटमेंट, ठीक। मेरा कैश फ्लो एट द एंड, मतलब सॉरी, मेरा कैश एट एंड क्या होगा? 7,000 रुपये मेरा ओपनिंग कैश है। 7,000 इज माई ओपनिंग कैश, प्लस चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर क्या होंगे, नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। तो कैश एट एंड, दिस इज कैश ऑन 31 दिसंबर 2000, ये होगा। आगे मूव कर रहा हूं, सुनना। अगर मैं आपको एनालिटिकली अब कुछ रेशियोज आइडेंटिफाई करने के लिए बोलूं, मैं ये देखना चाहता हूं आपने पैसे कमाए कितने हैं। टेल मी व्हाट वाज योर नेट मार्जिन फॉर दिस ईयर, व्हाट वाज योर नेट मार्जिन फॉर दिस ईयर। आइए इसी क्वेश्चन में रेशियोज देख रहे हैं कुछ। यहां पे मुझे बताओ नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? व्हाट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन, व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट, पहले ये बताओ। दिस इज माय नेट प्रॉफिट, ऐसा दिस इज माय नेट प्रॉफिट। माय नेट प्रॉफिट शुड बी बिफोर टैक्सेस या आफ्टर टैक्सेस? अच्छा, एक बार ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट को दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। सेल्स परचेजेस ये पता है आपको, ठीक है। ये रेंट दे दिया मान लो, लेट्स से दिस इज रेंट, तो ये पता है आपको 5,000 रुपए बचे। डेप्रिसिएशन का खूब डिस्कशन हो चुका है इसके पहले। व्हाट इज दिस पीस, ईबिटडा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ऐसे एक फैंसी सा नाम रखा, मतलब किसी का नहीं था, मतलब कोई मतलब नहीं था इस बात का, ठीक है। जस्ट अ फैंसी ब्लडी नेम, नथिंग एल्स। ईबिटडा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ठीक है। फाइनेंस की दुनिया वैसे भी अच्छे अच्छे नाम रखना इज अ कूल थिंग, ठीक है। लेस डीए, डीए इज लेस डेप्रिसिएशन ऑब्लिक एमोर्टाइजेशन। मैंने डेप्रिसिएशन पढ़ाया, आप समझ लो एमोर्टाइजेशन इसका छोटा भाई है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक साथ मैंने डिडक्ट किया। नेक्स्ट पीस इज ईबिट, दिस इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। लेस इंटरेस्ट वी गेट अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, उसके बाद टैक्स डिडक्ट किए सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी साहब को जो पैसा दिया हो दिया, जो बचा वो अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, मैंने आपसे पूछा नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन ये कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन? इट मीन्स दैट अगर मैं 100 रुपए की सेल करता हूं तो साल भर में नेट नेट में प्रॉफिट कितना कमाता हूं, यही है ना क्वेश्चन? तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ, हाँ या ना? अगर मैं 100 रुपए की सेल करता हूं तो प्रॉफिट कितना कमाता हूं ये निकाल, ठीक है। अगर मैं 50,000 की सेल कर रहा हूं तो प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं? 2532। फॉर अ सेल्स ऑफ 50K आई एम अर्निंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2532, हाँ या ना? सो व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट मार्जिन, या दूसरे टर्म से बोलूं तो अगर मैं 1 रुपए की सेल करता तो क्या कमाता? Had this been ₹1, this would have been 2532 by 50K. This is coming out as 5.064. Correct. With me so far. आपने कैलकुलेटर पे किया होगा, वो आपको डिस्प्ले कर रहा होगा 0.05064. उसका यही मतलब है। इट मीन्स 5.064%, क्योंकि परसेंट वर्ड का क्या मीनिंग होता है? परसेंट, पर मीन्स डिवाइड, सेंट मीन्स 100, है ना? ओके यहीं पर ही अगर मैं आपसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए बोलता तो क्या होता? बहुत बढ़िया, तो आप कर लेते, यहां पे कर रहे हो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, यहां पे कर लेते जीपी अपॉन सेल्स। अगर मैं आपको यहाँ पे ईबिटडा मार्जिन निकालने के लिए बोलता तो क्या होता? और ईबिट मार्जिन निकालने के लिए बोलता तो क्या होता? जो भी चीज का मार्जिन निकालना है, दैट डिवाइडेड बाय सेल्स। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी करूंगा नहीं मैं सब, मैं निकाल निकाल के दिखाने वाला, डिवाइड जैसी चीज है खुद से कर लो। कुल मिला के बोलना क्या चाह रहा हूं, अगर आपको मार्जिन फाइंड करना है तो द रूल इज ऑलवेज वेरी सिंपल, प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स। विथ मी सो फार और नॉट? प्रॉफिट प्रॉफिट ओवर सेल्स, मार्जिन तो इसी से दिखेगा, प्रॉफिट ओवर सेल्स, ठीक है ना। अब वो प्रॉफिट कौन सा होगा, वो
डिपेंड करेगा ढूंढना क्या चाहते हो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन में एनपी बाय सेल्स, ईबिट मार्जिन में ईबिट बाय सेल्स, ईबिटडा मार्जिन में ईबिटडा बाय सेल्स। मेरी मर्जी, मैं यहां पे बोलूं कैश प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं आपको निकालने बोलता तो क्या करते, सीएफओ बाय सेल्स कर देते नहीं करते? हाँ, सीएफओ बाय सेल्स कर देते। इन दिस केस अगर मैं बोलता कैश प्रॉफिट मार्जिन, आई वुड हैव डन कैश प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, कैश प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स कर देते। कैश प्रॉफिट मतलब क्या, चेंजेस इन कैश, हाँ या ना? एक कैंडिडेट ने पूछा कि एंडिंग कैश क्यों नहीं लिया यहां पे। लुक, अब लेट मी डाइग्रेस अ लिटिल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेट्स से यहां से मेरे घर का रास्ता 30 किलोमीटर से, ठीक है, दैट इज वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज व्हेन एवर आई गो टू अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट आई स्पेंड अबाउट 900 या 600 रुपीज पर हेड। वॉट इज द रेशियो ऑफ दीज टू, 600 डिवाइडेड बाय 30? डिवाइड करने को जबरदस्ती तो डिवाइड कर ही सकते थे, लेकिन इसका कोई सेंस बना? होटल बिल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिडंट मेक एनी सेंस? नो। रेशियो एनालिसिस का टॉपिक आपके पास साथ 11th 12th कॉलेज हर जगह चलते हुए आ रहे हैं। एक रेशियो मतलब, रेशियो ऑब्वियसली मीन्स कंपैरिजन, ए बाय बी, ए बाय बी इज अ रेशियो। नाउ दोज ए बाय बी डेटा हैज टू बी इन सिंक, वो आपको कोई सही चीज बताना चाहिए, अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं बना। मुझसे एक कैंडिडेट ने पूछा कि एक बात बताओ, हमने क्लोजिंग कैश क्यों नहीं लिया? मैं कह रहा हूँ लेंगे क्यों, वो बताओ क्लोजिंग कैश का क्या ही मतलब है। क्लोजिंग कैश आया कैसे? ओपनिंग कैश प्लस कैश प्रॉफिट डिवाइड, सॉरी, ओपनिंग कैश प्लस कैश प्रॉफिट, करेक्ट। ओपनिंग कैश का इस साल के धंधे से कोई लिंक था? नहीं था। वो कितना भी हो सकता था, तो विल यू एड इट? नो। व्हाइल कंप्यूटिंग एनी रेशियो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज इट मेकिंग सेंस? मुझे आज भी बुक वाइज क्या किससे डिवाइड करेंगे नहीं समझ आता। बट एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट अबाउट एनीथिंग, बट अगर मैं कोई एनुअल रिपोर्ट उठाऊं तो मैं छील के रख दूंगा उसको, बिकॉज आई रीड अबाउट दैट ब्लडी बिजनेस। मैं उसे इतनी डिटेल में पढ़ूंगा कि उसका क्या सही रेशियो निकालना चाहिए वो मैं देख लूंगा। बिजनेस का पेन कहाँ है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई योर सेल्फ मतलब इन अ लॉजिकल प्रैक्टिकल मैनर, वो एग्जाम तो बहुत ईजी होने वाला है। देखो बहुत सिंपल होने वाला है। एग्जाम में क्या है, जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है वो एक शीट बना के ऐसे ही दे देगा, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बोलेगा निकाल, लाइफ सॉर्टेड है। एग्जाम विल बी इजी, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बेटर थिंग्स। मैं आपको जबरदस्ती ज्यादा चीजें नहीं कराऊंगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ जो हम पढ़ रहे हैं उसी को लॉजिकली क्यों ना पढ़ लें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूँ अगर वो कैश प्रो अगर किसी केस में कैश प्रॉफिट मार्जिन निकालना पड़ रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, सुनना। तुम रिलायंस का 5G का बिजनेस लो। अब रिलायंस 5G के बिजनेस में ये फ्रंट लोडेड होगा, मतलब जब अंबानी साहब ने 5G का लाइसेंस खरीदा होगा तो बहुत पैसा दिया होगा, हाँ कि ना? दिया होगा बहुत सारा पैसा। तो मुझे एक चीज बताओ, इन्होंने डे जीरो पे पैसे दे दिए किस चीज के? 10 साल के ऑप्शन के, मतलब 10 साल के लिए टू दी राइट टू रन 5G सर्विसेज फॉर 10 ईयर्स, करेक्ट। आउटफ्लो कब हुआ है? टाइम जीरो पर, करेक्ट। अगले 10 साल तक के इम्पैक्ट दिखता रहेगा, नेट दिखता रहेगा ना? हो सकता है शुरू के 2 से 3 साल में लॉसेस ही दिखते रहे। क्यों? क्योंकि अभी सब्सक्राइबर आए नहीं है, सब्सक्राइबर्स आए नहीं है ना? तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है, अगर लेट्स से मैं जियो की सर्विसेज लेके बैठा हूँ, 500 रुपये पर मंथ देता हूँ, तो मेरे से एट्रीब्यूटेबल कुछ एक्सपेंस भी होता होगा ना जियो का, हाँ कि ना? मैं जो 5G डेटा कंज्यूम कर रहा हूँ उसका एक्सपेंस भी होता होगा कुछ, लेकिन उनका मेन खर्चा ये 5G एक्सपेंस का है क्या? नहीं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गवर्नमेंट को 20,000 करोड़ रुपए दिए टावर के अगले 5 साल के, सॉरी अगले 10 साल के। तो 20,000 करोड़ दे के 10 साल के राइट्स लिए, तो हर साल 2,000 करोड़ तो केपेक्स का डेप्रिसिएशन आ ही रहा होगा, बोलो हाँ कि ना? हर साल का अगर मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन देखूं तो मेरी एनालिसिस ठीक बैठेगी नहीं, नो क्योंकि हो क्या रहा है, शुरू में सब्सक्राइबर नहीं आए। अभी आईपीएल में लोग नाचे नहीं है जियो धन धन धन, 2 साल नाचेंगे, फ्री फ्री में देंगे चीजें, वोडाफोन और एयरटेल को तोड़ेंगे तो सब्सक्राइबर बेस आ जाएगा और उससे नेट प्रॉफिट बूस्ट होने लग जाएगा। तो अगर मैं इसे एनालाइज करता तो मैं क्या बोलता कि रुक यार एक सेकेंड,
ये डेप्रिसिएशन है तो आना ही है 10 साल। मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं देखता यहाँ पे, मैं ये करता कि मैं नेट प्रॉफिट को ऐड कर, मतलब मैं नेट प्रॉफिट के बदले कैश प्रॉफिट निकालता, फिर मैं देखता हाँ देखो ऑपरेशनली तो अभी ठीक ठाक कर रहा है। दिस इज हाउ आई वुड एनालाइज दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जज विच रेशियो विल अप्लाई ओवर वेयर इन योर बुक्स इन लेवल वन सिलेबस। जनरली दे हैव नॉट गॉन टू दैट एक्सटेंट, जनरली दे आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट ये मार्जिन या ये रेशियो इस तरीके से कंप्यूट होता है, बट इट शुड मेक सेंस टू यू। ये रेशियो इस वजह से कंप्यूट होता है तो इसका यूज कहाँ हो रहा है, मतलब एक तरीके से आपको ना दवाई का फॉर्मूला बता रहा है। आपको ये समझ आना चाहिए कौन समय पे कौन सी दवाई लेनी है। ऐसा थोड़ी बुखार है तो यही पीलियो वाली ले लो, दैट दैट डजंट वर्क। ठीक है, कुल मिला के लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैंने पूरा डिस्कशन क्लोज किया, मैंने कहा मार्जिन रेशियोज का एक सिंगल रूल है, प्रॉफिट ओवर सेल्स, दैट्स इट। ठीक है, आगे मूव करते हैं। मुझे बताना आपके बिजनेस का रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न कंप्यूट रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ दिस बिजनेस। मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा बताओ आरओई आरओआई आरओसीई आरओए ये निकालो। कैंडिडेट्स ने कहा देखो आरओई मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा ये बताओ, कह रहे इसके सिवा हमें कुछ नहीं पता, तुक्के लगवाने तो बताओ। मैंने कहा नहीं तुक्के नहीं लगवाने, एक बार इसी रेशियो को एनालाइज करते हैं नेट प्रॉफिट ओवर इक्विटी को। क्यों किया मतलब ये क्यों किया, याद था ऐसा करके, ऐसा नहीं कुछ लॉजिक लगाया, शेयर दैट लॉजिक फॉर विथ मी, एनलाइटन मी। इक्विटी मतलब वालों के लिए क्या रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहे हैं देखो तुम यहाँ बोल रहे थे ना कि अगर 100 रुपए की सेल हो तो प्रॉफिट कितना आता है, यहाँ पे देखो इंटरप्रिटेशन ऐसी होगी 100 रुपए की इक्विटी लगी तो साल में क्या बचत होगी। अच्छा बिल्कुल सही बात है, देखना एक बार, अगर 6,000 रुपए लगाता हूँ तो 2532, इफ आई इन्वेस्ट 6,000 आई गेट 2532 एज रिटर्न। So if I would have invested $1, I would have gotten 2532 by 6,000. If I would have invested 100, 2532 by 6,000 into 100, आंसर आ गया कितना? 42.2. नहीं। तो 6,000 रुपए के लिए 2532 का रिटर्न आया, दिस इज इक्विटी, दिस इज नेट प्रॉफिट, करेक्ट। अगर $1 लगाता तो 2532 बाय 6,000, ये आपने किया और आपका आंसर कितना आ गया? क्या कर रहा है यार, जस्ट अ सेकंड, ये आ गया 0.422, मतलब 42.2%। ठीक है ना, तो अगर $1 इन्वेस्ट करता हूं तो उस पर 42.2% का मुझे साल में रिटर्न आया, तो दिस इज रिटर्न ऑन इक्विटी। सेम टर्म्स में बोलो रिटर्न ऑन एसेट क्या हुआ। ये चलो एक बार इसको छोड़ देते हैं, अभी सारे के सारे हम मतलब ये ना एक दूसरा रेशियो रिप्रेजेंट हो गया, ये ना मतलब एक तरीके से एफिशिएंसी रेशियो हो गया वो, तो एक बार इसकी बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे स्टिक करते हैं। दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये निकालना है तो ये क्या होगा, सेम विद द सेम इंटरप्रिटेशन, टेल मी व्हाट विल दिस पीस बी। मैंने फॉर्मूला पूछा ही नहीं, मैंने इंटरप्रिटेशन पूछा। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी ये है कि अगर 1 रुपए की इक्विटी है तो रिटर्न कितना आया ये बताओ, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, अगर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो कितना रिटर्न मिलेगा इस इन्वेस्टर को, हाँ या ना मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट है कितनी। कुल मिला के रिटर्न रेशियोज वुड लुक समवॉट लाइक दिस। देखना एक बार क्या है यार ये, रिटर्न रेशियोज दिस वुड लुक समवॉट लाइक दिस, प्रॉफिट ओवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, प्रॉफिट ओवर इन्वेस्टमेंट,
इक्विटी के केस में डिनोमिनेटर में आएगा इक्विटी इन्वेस्टेड कितना था, न्यूमरेटर में आएगा इक्विटी वाले का प्रॉफिट कितना था। आरओआई के केस में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। क्या नहीं कि हाँ ये कैसे बोला तूने 3 सेकंड में, नहीं हाँ ये कैसा था। हाँ हाँ जी सर, अच्छा मुझे बताओ टोटल इन्वेस्टमेंट लगी कितनी है? मैं पहली क्लास से पूछते आ रहा हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10,000। और इन टोटल इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 2532 है। एक सेकंड रुकना, अब मुझे बताना ये अर्निंग्स आफ्टर टैक्स किसको बिलोंग करता है, इक्विटी वाले को। ये किसको बिलोंग करता है, इक्विटी एंड गवर्नमेंट को। ये किसको बिलोंग करता है, डेट को। ये किसको बिलोंग करता है, सेम इसी को। ऐसा थोड़ी है कुछ और आंसर दे दोगे, इक्विटी गवर्नमेंट एंड डेट। तो मुझे एक बात बताना, व्हाट शुड, एक बार के लिए अगर अभी मैं गवर्नमेंट को इग्नोर कर दूं तो मुझे बताना न्यूमरेटर में ईएटी रखना बढ़िया होगा या ईबिट रखना बढ़िया होगा, ईबिट रखना बढ़िया होगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ईबिट ओवर, ईबिट ओवर क्या, इक्विटी प्लस डेट। ये इन्वेस्ट किया है तो ये इन्वेस्टेड अमाउंट है और ये वापस मिला है अपने को। अब अगर तुम बुक से रटो या ऐसे कुछ बनाने की कोशिश करो तो देखो तुम नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट भी कर सकते थे। इक्विटी प्लस डेट क्यों, क्योंकि वो टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो भाई न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट क्यों, जितना पैसा दोनों ने मिलकर लगाया प्रॉफिट भी दोनों का गिन ना, प्रॉफिट एक का गिना और इन्वेस्टमेंट दो की गिनी, ये तो रेशियो गंद ही दिखेगा। सही कह रहा हूं ना मैं, मैं बोल रहा हूं विराट कोहली स्कोर 45 45 38 45 ऐसा करके स्कोर, इसकी एवरेज निकल भाई। और केस नंबर टू में मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो बैट्समैन का टोटल स्कोर से कंपेयर कर इसको, तो नहीं हो सकता ना। मैं यहाँ क्या, यहाँ पे देखना, देर आर टू पीपल हु आर बैटिंग, देर टू पीपल हु आर बैटिंग एंड दिस इज द नंबर, दिस द रन स्कोर्ड बाय टू बैट्समैन कंबाइंड। तुम क्या बोल रहे हो, तुम बोल रहे थे नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट, वो नेट प्रॉफिट तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वाले बैट्समैन का स्कोर है। जब तुम डिनोमिनेटर में दो बैट्समैन पकड़ रहे हो तो न्यूमिनेटर में भी दो का रेट स्कोर पकड़ोगे ना, हाँ या ना। तो दीज टू फोक्स इक्विटी प्लस डेट विल कंबाइंड इन अ कंबाइंड फैशन अर्न ईबिट फॉर यू, यस और नो। हाँ सर यस। लेकिन सर एक बात बताओ, ये ईबिट में से तो टैक्सेस निकलने हैं अभी, तो आप ऐसे कैसे ले सकते हो। तो इसका एक दूसरा वर्जन भी है, ईबिट के बदले नोपैट ले लिया जाता है, ईबिट इंटू वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय ई प्लस डी। इस ईबिट इंटू वन माइनस टैक्स को बोलते हैं नो पैट। आई एम प्रीटी श्योर नाम तो सुना होगा तुम लोगों ने, नाम तो पता है, देखो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सेंस भले करे या ना करे, दिस इज नो पैट। तो ईबिट इंटू वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय ई प्लस डी। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? सर इन दोनों में से सही कौन सा है, कुछ सही नहीं है इनमें से, और दोनों ही सही है, ठीक है ना। इट्स योर एनालिसिस। अ पेशेंट कम्स टू यू, ही सेज सर मुझे 102 डिग्री फीवर है। तुम बोलो कोविड गया तू, विल लिख अपनी साले, आर यू द राइट डॉक्टर, नो। और चार चीजें पूछेगा ना, स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही, घर में और किसी को हुआ है कि नहीं हुआ है, कितने दिन से है, बॉडी में पेन है कि नहीं है, फलान ढिमकान और 500 चीजें। एंड देन ही माइट टेल यू अ फ्यू थिंग, या बोलेगा जाके टेस्ट करा। तो ये चल क्या रहा है, आप एनालिसिस ही तो कर रहे हो। वो डॉक्टर क्या करता है, एनालिसिस ही तो करता है, उसके बाद भी क्या बोलता है, जाए 5 टेस्ट और करा के ला, बोला जा 5 बार एनालिसिस करा के ला। तो एक रेशियो देख के कुछ थोड़ी ना बोल दोगे, इट्स अ कोहेसिव एक्सरसाइज, जस्ट वन ऑफ द पैरामीटर। मतलब यहाँ पूछ रहा हूँ फीवर बता दे रहा हूँ, दैट्स इट। अगली और चार चीजें पूछूंगा यार, कहीं के लिए टेंशन ले रहे हो, ठीक है ना। तो दिस इज ईबिट ओवर इक्विटी प्लस डेट या टोटल इन्वेस्टमेंट्स, या फिर नोपैट ओवर इक्विटी प्लस डेट। आर यू विथ मी सो फार? आपकी बुक्स क्या करती हैं, आपकी बुक्स ईबिट वाला फॉर्मूला यूज कर रही हैं। हाँ मुझे पता था कि कोई ना कोई जरूर बोलेगा। आपको फॉर्मूला कौन सा, आपको एग्जाम में क्या यूज करना है, जो श्वेजर या सी बुक बोले वो, ठीक है।
सर फिर आपने दूसरा वाला बताया क्यों? क्योंकि लॉजिक बताया तो तुम में से कोई लड़ने जरूर आता, तो मैं तुम्हें पूरा लॉजिक बता रहा हूँ। एग्जाम में क्या करोगे वो जो यहाँ बोल दे, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इज इक्वल टू ईबिट ओवर एवरेज टोटल कैपिटल। अभी एवरेज एवरेज ये वो में नहीं जाएंगे, ठीक है आगे मूव कर रहा हूँ सुनना बेटा। रुक जा, देख लिया तेरा हाथ यहीं बैठा है अंधा थोड़ी मैं, 2 मिनट तो दे मुझे, कुछ रीजन है ना कि नहीं रुक रहा। सुनना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिस इज नोपैट ओवर इक्विटी प्लस डेट, या फिर ईबिट ओवर इक्विटी प्लस डेट विथ मी सो फार। मुझे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ क्या हुआ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब पहला क्वेश्चन तो ये, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? एक बात तो समझ आ गई है, न्यूमरेटर में मतलब मुनाफा और डिनोमिनेटर में लागत, मुनाफा और लागत यही है, लगाया क्या है मतलब डिनोमिनेटर में क्या लगाया था और न्यूमरेटर में क्या पाया है। पहले बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, फॉर्मूला नहीं जानना मुझे, कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ। नो डिफरेंस बिटवीन आरओआई एंड आरओसी, वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज के दो नाम है, कोई फर्क नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? टोटल जो धंधे में पैसा लगाया यार, बैंक में पैसा कितना पड़ा है वही तो कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड डजंट मीन इक्विटी शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड, इट मींस कैपिटल, मींस कैपिटल धंधे में लागत पूछ रहा है वो बस, ठीक ठीक है। तो आरओई सॉरी आरओआई और आरओसीई एक ही बात है, विथ मी सो फार। ओके नेक्स्ट, एक काम करो आरओआई से निकालो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये क्या होगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल अगेन वन एंड द सेम थिंग, ठीक डू नॉट बॉदर अबाउट इट विथ मी सो फार। आरओई अलग है, उसके बाद आरओआई, आरओसीई, आरओआईसी एक ही बात है, ईबिट ओवर टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल, ईबिट ओवर ई प्लस डी। श्योर ये एक वर्जन है, ये आपकी बुक्स नहीं बोल रही है, नॉट नॉट फॉर एग्जाम, ठीक है ना। सीएफए की जर्नी में कहीं ना कहीं वो नोपैट लेंगे ही लेंगे, आई एम टेलिंग यू, लेवल वन में भी कहीं पे लिया होगा तो आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा एक और चीज सीएफए के बारे में आपको बता देता हूँ, जनरली जब आप लोग अपनी बीकॉम की बुक्स पढ़ते हैं या 11th 12th की बुक्स पढ़ते हैं, तो वो उस बुक का एक ऑथर होता है, 11th 12th के गरेवाल साहब से अकाउंट्स में, है ना। जब आप लोग सीएफए के वर्ल्ड में आते हैं तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर के स्टार्ट में देखिएगा एक अलग ऑथर है। तो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया सीएफए इंस्टीट्यूट ने, उन्हें यार बुक बनाना बहुत जरूरी है। तो वैल्यूएशन कौन अच्छी करता है? दामोदरन साहब। सर प्लीज एक बुक लिखो ना, ऐसी मशीन लर्निंग एक्सपर्ट से वो लिखवा लिया, बिग डेटा से वो लिखवा लिया। उनको बोला बस जब जब आप चैप्टर कंप्लीट करोगे ना तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डाल देना कि बच्चे सॉल्व कर पाए, ये सबको स्टेपल मार के आपको भेज दिया। दिस व्हाट हैज हैपेंड, तेरे क्यों बता रहे हो? What will happen is that same topic, यही वाला ROI, ROC, ROIC, FSA में भी आएगा, इक्विटी में भी कहीं पे आएगा, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में भी कहीं पे आएगा, और अगर आप लेवल 3 का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखो तो वहां भी आएगा, लेवल 2 में भी 4 सब्जेक्ट में आ सकता है, 101% क्वांट में, लेवल 2 में मॉडल बनाने में भी आ सकता है। इतनी सारी जगहों पर बातचीत होगी इसकी, आपको थीमेटिकली समझ आना चाहिए क्या हो रहा है। मार्जिन रेशियो मतलब मुनाफा डिवाइडेड बाय सेल्स, और रिटर्न रेशियो मतलब मुनाफा डिवाइडेड बाय लागत, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। दिस इज व्हाट विल बी द वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। अब कोई ऑथर कुछ बोले, दूसरा ऑथर कोई कुछ और बोले, तो मैं आपसे लड़ाई करने नहीं जाऊंगा। जो बुक में बोल रहा है वो सत्य, मुझे पता भी नहीं है क्या बोल रहा है वो, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे अगर याद करूं कि इक्विटी वाला ये फॉर्मूला, कॉर्पोरेट इश्योरेंस वाला ये फॉर्मूला, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आई डोंट एग्री टू इट, मतलब आई इट्स लाइक दिस, मेरे को पता है दोनों ही ठीक है ना। तो द वे आई विल डू थिंग्स इज दैट आई विल से ओके आई अंडरस्टैंड द लॉजिक, जो बोल रहा होगा अगर वो मेरे लॉजिक पे मोटा मोटा फिट बैठेगा तो आई जस्ट एग्री टू इट। अगर मैं एग्जाम देने जाता तो मैं इस चीज का नोट करता कि एग्जाम में ये करना है। आपको क्या करना है, आप भी नोट करके श्वेदर से, सीबुक से ये चीज
मतलब सॉलिडिफाई करके क्लोज कर लीजिएगा. माय वर्क इज टू मेक श्योर दैट यू आर ऑन द राइट पाथ. स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, ठीक है जी. ये सारी चीजें एक ही बात है. आर ओ ई, आर ओ आई, आर ओ सी और आर ओ आई सी वन एंड द सेम थिंग, करेक्ट. एक कैंडिडेट मुझसे क्लास में पूछ रहे थे, यहाँ पे भी डाउट्स आ रहे हैं. अगला टॉपिक वैसे वही लेने आता हूँ. मुझसे पूछा गया कि एक बात बताओ, ईबिटडा क्यों नहीं लिया? ईबिटडा लेना चाहिए. मैंने कहा अच्छा क्यों लेंगे? कह रहे बिकॉज ये भी तीनों को बिलोंग करता है तो ये ले लो. मैंने ईबिट क्यों लिया, ईबिटडा क्यों नहीं लिया? लुक, जब मैं एनालिसिस करूंगा ना तो मैं दोनों बेसिस पे करूंगा. लेकिन अगर मुझसे एग्जाम में पूछा जा रहा है तो मुझे एक बात बताओ, तुमसे क्या पूछा गया? रिटर्न रेशियो पूछा गया तुमसे. रिटर्न रेशियो मतलब प्रॉफिट रेशियो पूछ रहे हैं ना अभी भी. ये रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये पूछ रहे हैं ना. मुझे बताओ क्या डेप्रेशन एमोर्टाइजेशन खर्चा है? खर्चा नहीं है. चीख चीख के वो करते हो तो इज डेप्रेशन एमोर्टाइजेशन इज एक्स एन एक्सपेंस, यस. तो क्यों ही माइनस करेंगे बताओ? सर वो नॉन कैश है तो क्या करूं? मैं तो प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा हूं, तो माइनस करना चाहिए. किया हुआ. अगर मैं यहीं पर ही इस बात का सेंस बनाना चाहता कि यार कैश प्रॉफिट के कैसे रिटर्न आ रहे हैं ऑन इन्वेस्टमेंट, तो मैं ईबिटडा ओवर इक्विटी प्लस डेट करके भी एनालाइज करता. आई वुड हैव श्योरली डन इट इन प्रैक्टिकल लाइफ, बट फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जाम्स नो, यू विल नॉट यूज ईबिटडा बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन. इट डजेंट मीन एनीथिंग. अभी तक आपने उसे डेप्रेशन एमोर्टाइजेशन नहीं काटा है. आपको न्यूमरेटर में क्या लिखना था? प्रॉफिट. तो क्या प्रॉफिट है क्या? नहीं, उससे खर्चा डिडक्ट होना बाकी है, तो पहले डिडक्ट करो. सर आप नाराज ना हो. नाराजगी किस बात की यार, कमाल कर रहे हो. बुक में एक रेशियो पूछा हुआ है, बोल रहा है रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी. रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी इसका क्या मतलब सर कॉमन स्टॉक पर है? इस केस में क्या होगा रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी? कॉमन स्टॉक पर ही माला जी क्या होगा इस केस में? रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी, रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी इज नथिंग बट रिटर्न ऑन इक्विटी ओनली. इट इज स्टिल रिटर्न ऑन इक्विटी ओनली, ठीक है ना. नो डिफरेंस. रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी मीन वन एंड द सेम थिंग, ठीक है. अब सुनना, मैं कितने मतलब व्हाट कुड हैव बीन द सोर्सेज ऑफ माय इन्वेस्टमेंट? इट कैन इधर बी इक्विटी और इट कैन बी डेट. दोज ऑफ अस हु आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड शायद पढ़ा होगा जो बोलने वाला हो. जो नहीं है कॉमर्स बैकग्राउंड से और बढ़िया, अभी सुन लो फ्रेश, यही सही है. जबरदस्ती अनलर्न करके रीलर्न करने की जरूरत नहीं है. तो देर इज वन मोर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. दोज फोक्स आर कॉल्ड द प्रेफरेंस गाइड्स. इक्विटी शेयर कैपिटल, डेट, और इन दोनों के बीच में एक आ रहा है विच इज प्रेफर्ड शेयर कैपिटल. प्रेफर्ड शेयर कैपिटल, एवरीवन ओवर हियर, प्रेफर्ड शेयर कैपिटल. देखना देयर इज अ रीजन कि मैं बोल रहा हूं ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, बिकॉज इट हैज द फीचर्स ऑफ बोथ. मतलब कैसे? अगर आप कैटेगराइजेशन बोलेंगे तो मैं इक्विटी प्लस प्रेफर्ड कैपिटल को ओन कैपिटल बोलूंगा और डेट को आउटसाइड कैपिटल बोलूंगा. कुछ ज्यादा ही डायनामिक पहले. ओन कैपिटल मींस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, आउटसाइड कैपिटल मींस डेट. आर यू विथ मी सो फार? है ना. अगर वो आपसे पूछ रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी तो इट इज आस्क, ओहो, इट इज आस्किंग यू जस्ट द इक्विटी पोर्शन का अर्निंग्स. लेट मी इनफैक्ट एक काम करते हैं, प्रेफर्ड शेयर कैपिटल से रिलेटेड ना एक अलग से एक छोटा सा पीस रिकॉर्ड कर लेंगे अभी अभी के लिए, उसको जाने देते हैं. मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें चेंज करने पड़ जाएंगे, फिर फॉर्मूला ओरिएंटेड कुछ बोलना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा. लेट अस जस्ट टेक अ पास ऑन इट एज ऑफ नाउ, विल कम बैक टू इट. यहां तक कि अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए. कैंडिडेट ने पूछा बहुत बढ़िया डाउट.
कह रहे हैं बात बताओ, यहाँ पे अगर क्रेडिटर्स आ रहे होते तो उसको लेते या नहीं लेते, वुड यू इंक्लूड क्रेडिटर्स और नॉट? ये लेट्स से दिस वुड हैव बीन 6,000, 3,000 एंड 1,000, 6,000 रुपए इक्विटी, 3,000 रुपए डेट एंड 1,000 रुपीज क्रेडिटर्स, वुड यू इंक्लूड दैट 1,000 और नॉट? मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में डिनोमिनेटर में 9,000 रखोगे या 10,000 रखोगे, मतलब डिनोमिनेटर में इक्विटी प्लस डेट रखोगे या इक्विटी प्लस डेट प्लस करेंट लाइव मतलब धंधे की ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज भी रखोगे? नहीं रखेंगे, यू विल नॉट पुट अकाउंट्स पेबल इन द डिनोमिनेटर। सुनना, ये 6,000 की क्या इंटरप्रिटेशन है? बंदे ने 6,000 लगाए, अब वो क्या पैसा कमाएगा? ये 4,000 की क्या इंटरप्रिटेशन है? हमें बाहर से 4,000 रुपए मिले, मेरे धंधे में पैसा लगाया गया, वो 1,000 रुपए आराम से प्रॉफिट ले लेगा ना, वो तो उनको बस माल सप्लाई कर रहा है। इन द डिनोमिनेटर इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, सो टेंजिबल कैपिटल मतलब जिसने पैसा रोकड़ कैश मेरे धंधे में लगाया, सिर्फ उसको इंक्लूड करूंगा, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अकाउंट टेबल की क्या इंटरप्रिटेशन दी कर ये वो हमारा इन्वेस्टर बन गया, उसने हमारे बिजनेस में बिल्कुल इन्वेस्ट करेक्ट किया। बात है, इसीलिए उसको सोर्सेज में लिख लिया। मुझे कैंडिडेट कह रहे हैं बात बताओ, कल तो तुमने कह दिया कि वो हमारा इन्वेस्टर, मैं कह रहा हूँ मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, इसीलिए उसको सोर्स में लिखा है, लेकिन उसने मेरे धंधे में पैसा नहीं लगाया तो उसका प्रॉफिट पे हक नहीं है। क्योंकि उसका प्रॉफिट पे हक नहीं है तो मैं मेरे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस पे उसका हक नहीं है, तो मैं इस वजह से उसे ऐड नहीं करूंगा। मैं तो अभी भी वही कह रहा हूँ, ही विल नॉट बी अ पार्टिसिपेंट इन माई इनकम स्टेटमेंट, दैट्स वाई आई विल नॉट ऐड। डिड ही इन्वेस्ट इन माई बिजनेस? यस। वॉट इज ही गेटिंग? उसने 100 का माल 120 में बेचा होगा मेरे को। डीमार्ट और फ्यूचर रिटेल की बैलेंस शीट निकाल के देखना, डीमार्ट के केस में तुम देखोगे कि ऑलमोस्ट अकाउंट्स पेबल बहुत छोटे निकलेंगे, और फ्यूचर रिटेल की बैलेंस शीट निकाल के देखना, उसमें बड़े निकलते थे अकाउंट्स पेबल। तो हो क्या रहा है? अगर मैं हल्दीराम भुजिया हूं तो मुझे पता है डीमार्ट मुंह पे पैसे मारने वाले हैं मेरे, इनसे होके पैसे उठा मुझे माल सप्लाई कर, तो मैं उसे सस्ते में माल बेचूंगा। और फ्यूचर रिटेल क्या करेगा? उसके पास पैसे ही नहीं है, वो 2 महीने की क्रेडिट लेगा मुझसे, तो मैं क्या करूंगा इन दैट केस? आई विल ओवर चार्ज हिम, आई विल सप्लाई टू डीमार्ट एट 100 रुपीज अ पैकेट, आई विल सप्लाई टू डी टू व्हाट यू कॉल फ्यूचर रिटेल एट 120 अ पैकेट, है ना? तो मैं उससे एडिशनल कॉस्ट वैसे ही चार्ज कर रहा हूं। तो अगर मेरी बुक्स में अकाउंट्स पेबल आ रहे हैं तो वो कैपिटल का पार्ट नहीं बनेंगे, बिकॉज ही विल नॉट बी अ पार्टिसिपेंट इन माई इनकम स्टेटमेंट। पूरा डिस्कशन क्लोज कर रहा हूं, देखना। आरओ, सॉरी, एक है मार्जिन रेशियोज, एक है रिटर्न रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर यही दो चीजें आ रही थी। मार्जिन रेशियोज में आ गया था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, और रिटर्न रेशियोज में आ गया था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। इतना ही याद रखना जरूरी है, इसके आगे बुद्धि लगाने की गेम है, ठीक है? तो पागल समान पांच पांच फॉर्मूला रटना इज अ वेरी वेरी स्टूपिड एक्सरसाइज, विल नॉट डू दैट। यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम एंड देन बी द बेस्ट जज ऑन द सिचुएशन, ठीक है? पांच फॉर्मूले लिखवा सकता हूँ, डजंट वुड नॉट सर्व द पर्पज, यू थिंक इट लॉजिकली, इट विल ऑलवेज हेल्प यू नेल डाउन द कॉन्सेप्ट, ठीक है? रिटर्न ऑन इक्विटी इन केस ऑफ प्रेफर्ड डिविडेंड के लिए अलग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, अलग एक सेशन मतलब एक अलग छोटा सा स्निपेट रिकॉर्ड कर लेंगे, अभी के लिए नहीं।